बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलसिले में हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें हम प्रोटीन्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं इनके या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उन पर बात करेंगे। प्रोटीन्स के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि प्रोटीन असल में कहाँ पाए जाते हैं या क्या इनकी फंक्शंस होती हैं। अमीनो एसिड्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बने होते हैं। अमीनो ग्रुप यानी NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH। अमीनो ग्रुप जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये एक्टिव ग्रुप्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ या दूसरे केमिकल्स वगैरह के साथ इनका रिएक्शन होता है। ये एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तकरीबन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ये एनवायरनमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और ये असल में जो अमीनो एसिड्स हैं तो इनका जो प्रोटीन्स ये बनाते हैं तो इनके लिए तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बुनियादी तौर पर ये एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ब्लड टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, स्केलेटल स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के लिए दरकार होते हैं। अब अमीनो एसिड्स की भी अकसाम होती हैं, टाइप्स है इसकी, तो इनकी जो दो टाइप्स हैं वो हम आने वाली लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अभी हमारी बात हुई कि अमीनो एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बने होते हैं। अमीनो NH2 ये बेसिक इन नेचर होता है, कार्बोक्सिलिक COOH ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये एक्टिव होते हैं और ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स, बेसिस और दूसरे केमिकल्स के साथ और ये बुनियादी हिस्सा होते हैं हार्मोन्स के, एंटीबॉडीज़ के, एंजाइम्स के, स्केलेटल स्ट्रक्चर के, और स्केलेटल स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करते हैं और ये बॉडी टिश्यूज़ के होते हैं इंटीग्रल पार्ट्स। अभी हमारी बात इन पे हो गई, आने वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पे बात करेंगे। थैंक यू।